आज का जुर्म अंजाम, अस्मा अजीज के नाम, तशद्दुद की हौलनाक दास्तान, क्यों किया गया तशद्दुद, बाल काटे गए अस्मा के, आखिर क्यों, अस्मा अजीज पर उसके शौहर फैसल ने तशद्दुद किया, वजह क्या थी, आखिर क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया और बिनते हव्वा को रोने पर मजबूर क्यों किया। वो अस्मा जो कभी घर बसा कर रखती थी, आज वो कचहरियों के चक्कर लगाने पर क्यों मजबूर है। जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हमारे मुआशरे में औरतों पर जुल्म तशद्दुद के कुछ वाकयात सामने आते हैं। वो वाकयात किस हद तक गहरे असरात मुरतब करते हैं सोसाइटी पर, यह आप लोग बखूबी जानते हैं। जुबान जदे आम अस्मा तशद्दुद केस आजकल हर शख्स जानता है। अस्मा पर किस तरीके से तशद्दुद किया गया, क्या वो नशे की आदी थी या नहीं, ना ही अस्मा की पहली शादी थी और ना ही फैसल नामी शख्स की पहली शादी थी, आखिर हुआ क्या, तनाव क्यों बढ़ा, शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया ये वाकया, और फिर बात लड़ाई झगड़ों से आगे तक कैसे निकल गई। अगर बज़्मे इंसान में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, ये मुहावरा या ये शेर, ये जो मिसरा है, हमारी इस सोसाइटी का अब बड़ा अलमिया ये बन चुका है कि हम इसमें इस मिसरे पे ना तो अमल दरामद करते हैं और ना इस पर गौर व फिक्र करते हैं, और फिर वो भी के वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, हम इसको भी बिल्कुल उलट कर चुके हैं। और खुसूसन इन दो हफ्तों में यके बाद दिगरे मुतादिद ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें औरत को बिलखसूस तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बाज़ जगहों पर ससुरालियों की जानिब से, बाज़ जगहों पर खुसूसन हस्बैंड की जानिब से, और आजकल जुबान जदे आम केस खुसूसन अस्मा तशद्दुद केस है जिसमें फैसल अफजल नामी एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने इंतहाई हौलनाक तरीके से तशद्दुद किया, बाल काटे, नशे पर मजबूर किया, डांस करने पर मजबूर किया, और वो भी अपने दोस्तों के सामने। बीवी जो है वो इंसान की इज्जत होती है, और अपनी इज्जत को बचाना, उसके तहफ्फुज़ की जमानत, जब निकाह नामे पर इंसान साइन करता है तो उस वक्त हकीकत में वो उसका सेवियर होता है, वो इस बात की कमिटमेंट करता है कि आने वाले वक्त में उसकी इज्जत आबरू जान माल का तहफ्फुज़ जो है वो अपनी जान से बढ़कर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अस्मा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और अस्मा की आजकल एक और वीडियो भी वायरल हो रही है जिससे इस तासुर को हिट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद अस्मा जो है वो पहले भी दोस्तों के सामने इस तरह का डांस करती नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फैसल अफजल के दोस्तों की जानिब से इस किस्म की वीडियो को वायरल करके इस तासुर को जायल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो केस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अस्मा पर तशद्दुद क्यों किया गया, फैसल अफजल नामी शख्स ने उसके बाल क्यों काटे और फिर उसको मजबूर क्यों किया और फिर उसको नशे पर क्यों लगाया या उसको नशा करने पर मजबूर क्यों किया। अस्मा हमारे साथ मौजूद है, आज भी ये अपनी पेशी पर आई हुई थी और इन्होंने यहीं पर टाइम दिया। अस्मा, क्या मामला था, खुसूसन बड़े सवालात जन्म लेते हैं इस मामले पर, कब आपकी शादी हुई और कितने अरसे बाद आप लोगों में तफावुत या आप लोगों में झगड़े शुरू हो गए? तकरीबन 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जब तक तब मैं काफ़ी वेल सेटल्ड थी, मैं पहले से मेरी शादीशुदा थी और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो इसको मैंने गाड़ी सेल की थी, इस तरह से इसने देखा कि मेरे पास पैसा है, फिर इसने मुझे, बस जब बुरा वक्त इंसान का आता है तो अच्छे से अच्छे इंसान की भी अक्ल पे पर्दे पड़ जाते हैं, इसने मुझे इस तरह से ट्रैप किया, इस तरह से, क्योंकि मैं गाड़ियां सेल करती थी, इसने कहा मैं आपकी गाड़ी सेल कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, इसने इस तरह से मुझे ट्रैप किया कि आज मैं इस हाल में हूँ। अच्छा, आपका गाड़ियों का बिजनेस था और आप मैरिड थी और आपके बच्चे भी हैं? जी। अच्छा, दो बच्चे हैं जी। तो इसने प्रपोज किया उस वक्त जब ये गाड़ियां वगैरह आपसे लेता था, कारोबार करता था? जी, पहले तो सिर्फ काम से बात शुरू हुई कि इसकी वर्कशॉप थी, मैं गाड़ी का काम करवाने गई, फिर गाड़ी सेल की, इस तरह से इससे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इसने एक दो दफ़ा गाड़ी के सिलसिले में इसने मेरा घर देखा, फिर इसने मुझे हैवी बाइक पे घर आके तंग करना शुरू कर दिया ड्रंक होके। तो मुझे नहीं उस वक्त पता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ड्रंक लोग कैसे होते हैं, इसने मुझे कहना बाहर आओ, ये करो, तो मैं डर भी गई और मैं अकेली भी रहती थी, फिर इसने मेरे अकेले रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, फिर इसने मुझे जो है वो
बड़े प्यार से भी इसने मुझे टैकल किया, अपनी बातों में लिया। इवन जब मेरा निकाह हुआ है तो आप निकाह नामे पे देखें, वहाँ भी मेरा लिखा हुआ है शादी तलाकशुदा, लेकिन उसका लिखा हुआ है गैर शादीशुदा। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ऑलरेडी दो शादियाँ कर चुका है। नहीं तो जब इसने कमिटमेंट आपसे की और जब शादी करना चाह रहा था तो उस वक्त इसने बताया नहीं किसी भी हवाले से? मुझे किसी बात का नहीं पता था उस वक्त, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था। बस मुझे इसने सिर्फ ये बताया था कि क्योंकि मैं भी वेल सेटल्ड थी, इसने बताया कि जी मेरा मैं भी बहुत सेटल्ड हूँ और मेरी ऐसे ऐसे अपना घर है और ये। तो मैंने कहा मुझे इस वक्त इतना वो अंदाज़ा नहीं था। और जब बुरा वक्त आया इंसान का, मतलब आप दोनों की लव मैरिज थी? जी हमारी लव मैरिज थी, बिल्कुल लव मैरिज थी। और मैं समझती हूँ कि मैंने जो वो गलती की थी, जाहिर बात है दुनिया है, हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उस वक्त जो मैंने गलती की थी, उसकी गलती मैंने इतने अरसे ये 4 साल उठा चुकी हूँ और बहुत उठा चुकी हूँ। आपकी शादी 4 साल रही, तो 4 साल में दोस्तों का भी आना जाना था, या इसका करेक्टर आपके सामने कब वाजे हुआ? इसका करेक्टर मेरे सामने तकरीबन कोई 4-5 महीने बाद ही वाजे होना शुरू हो गया था, जब इसने ड्रिंक करके आनी, या इसने जो है वो हैश पी के आनी, या फिर दोस्तों का घर आना। फिर इसको पसंद थी गैदरिंग, मतलब ये चाहता था कि घर में गैदरिंग रहे, लड़कियों की लड़कों की गैदरिंग हो। इसने फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना, इवन अपनी जो है वो फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स भी उनके साथ होती थी। और काफ़ी अरसा इसके एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारे घर में ही रहे और वो भी देखते रहे। फिर तकरीबन 5-6 महीने बाद, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की आदत नहीं थी और मेरे फैमिली वाले मुझे सारे छोड़ चुके थे इसके साथ शादी कर, इनमें एडजस्ट होना आपकी मजबूरी बन गई? मेरी मजबूरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। मजबूरी ये थी कि मैं सारी कश्तियाँ जला के इसके पास आई थी, सारी दुनिया को छोड़ के इसके पास आई थी। उधर पीछे जाने का रास्ता भी नहीं था और मैं जाना भी नहीं चाहती थी कि दुनिया मुझे ये ना कहे कि इसकी तो आदत है, इसकी तो आदत है। आपकी ये तीसरी शादी थी? ये मेरी दूसरी शादी। दूसरी शादी, तो बच्चे आपके साथ रहते थे जब इसने आना जाना शुरू किया, इसने प्रपोज करना शुरू किया? जी बिल्कुल, बच्चे मेरे साथ है। और जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद फैसल के घर आप बच्चे ले गई अपने? नहीं, क्योंकि ये सारे मामलात इस तरह से हुए थे कि मेरा हस्बैंड बाहर रहता था, तो उस वक्त भी काफ़ी जो है वो मतलब थाना कचहरी सब कुछ हुआ था। कि जाहिर बात है एक बड़ी अच्छी मेरी लाइफ थी अपने हस्बैंड के साथ, उसको तो यही यकीन नहीं था कि मेरी बीवी ये कुछ कर सकती है। मतलब वो ये कहता था कि इतनी 5 वक्त की नमाज, कुरान की पाबंद, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है, वो उसको ये यकीन ही नहीं था कि मेरी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। वो ये समझता था कि उसको अकेली रहती थी तो कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसको ये लगता था। इस बेस पे उसने काफ़ी उसने कोशिश की थी कि अगर कोई ऐसी बात है तो ये वापस आ जाए, लेकिन बस मेरी किस्मत, यानी डाइवोर्स के बाद उसने कोशिश की पहले हस्बैंड ने? डाइवोर्स उस वक्त नहीं हुई थी। डाइवोर्स आपने फिर इसका मतलब है फैसल के लिए ली? जी बिल्कुल, फैसल के लिए ली। यानी फैसल अफजल के लिए आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा, आपने लव मैरिज किया, आपने फैमिली को छोड़ा, मुआशरे में बुरी बनी सिर्फ इसलिए कि आप समझते थे कि फैसल आपसे सच्चा प्यार करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फैसल का भेद आपके सामने आया 5 महीने बाद? ऑलमोस्ट 5 महीने बाद। शुरू में इसके दोस्त वगैरह घर आने, इसने कहना मुझे गैदरिंग पसंद है। फिर इसने मुझे इस तरह से थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की कि बेबी जो हमने टफ टाइम गुजारा है, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो यार दोस्त, अच्छे यार दोस्त होने चाहिए इंसान के ऐसे दोस्त होने चाहिए जो उसके बुरे वक्त में काम है। मतलब वो इतना बड़ा ड्रामेबाज और इतना बड़ा फनकार इंसान है कि वो किसी भी इंसान को कैसे ट्रैप कर लेता है, इंसान को समझ नहीं आता। आपको कभी लगा, जाहिर है आप मतलब कारोबार करती थी, गाड़ियों का कारोबार करती थी, डीलिंग करती थी, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए, कभी छठे हिस्से ने नहीं बताया कि ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है? मैंने आपको कहा ना, जब ये सारी बातें अल्लाह की तरफ से ना दिमाग में आए, इसको ये कह लें कि प्यार अंधा होता है? नहीं, मैं कहती हूँ जब बुरा वक्त आना होता है ना तो वो ऐसे ही आता है, वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पाकीज़ा है, वो लोग नमाज रोज़ा सबके पाबंद हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आपको मुकम्मल तौर पे छोड़ चुके थे क्योंकि आपने अपनी मर्जी की थी उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके?
वालदा की तो मेरी पहले ही डेथ हो चुकी थी। वालिद साहब और भाई वैसे मेरे आउट ऑफ कंट्री रहते थे, बट वो यहाँ आए और वो मुझे मुकम्मल तौर पे छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने मेरी बड़ी मिन्नतें, बड़ा कुछ कहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन मेरे जहन में शायद ये था कि पहला घर भी दाव पे लग गया है, तो मैं अब कैसे मैं पीछे हट जाऊँ या मैं क्या करूँ। तो इस वजह से फिर जो है वो घर वालों ने बिल्कुल कतअ ताल्लुक कर लिया था। उसके बाद घर वालों ने मुझसे मिलने की मतलब कोशिश भी की एक दो दफ़ा, जब मेरे फादर की बाद में डेथ हुई उन्होंने फ़ोन भी करना चाहा, मिलना भी चाहा, तब भी उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ये सही इंसान नहीं है, इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ के आ जाओ ये ऐसे, लेकिन ये था कि ये इंसान मिलने नहीं देता था, ये मुझे ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। मैं ऐसे शादी से पहले की वीडियोस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद की भी इसने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हुई काबिले एतराज, या कि आपको ब्लैकमेल करे, या उसको डर था कि आप छोड़ सकती हैं? उसको देखें, एक काम वो मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है, मजबूरी में करवा रहा है, जो मैं नहीं करना चाहती। तो मुझे ये था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और मैंने ज़िंदगी के 4 साल उस इंसान के साथ गुजारे हैं, उसमें उसने बहुत कुछ करवाया, और उसने जो कुछ करवाया है वो मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बयान दे चुकी हूँ वो इनफ है। फैसल अफजल सिर्फ नशे में तशद्दुद करता था या अक्सर औकात करता था? अक्सर औकात ही करता था। तशद्दुद की नौइयत क्या होती थी? ये तो आप जो बाल उसने काटे, ये तो आखिरी हद है ना? तशद्दुद स्टार्टिंग में तो बस ये होता था कि वो रात के 3-3 बजे उसने मुझे मतलब घर से निकाल देना। अच्छा। जी, रात के 3 बजे उसने मुझे घर से निकाल देना, बगैर दुपट्टे, बगैर जूती, के दफा हो जाओ यहाँ से। और इवन जो है वो वहाँ पे पार्टीज वगैरह चलनी, कभी मैंने इनकार करना तो सुबह इतनी लड़ाइयाँ होनी, और जब मैंने मना करना तो उसने मुझे कई दफ़ा घर से निकाला, और उसको पता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये वापस आएगी। फिर उसने जब मैंने घर से उसने मुझे निकाल देना, फिर उसने मुझे कॉल्स करनी कि तुम घर वापस आ रही हो या नहीं, या मैं तुम्हारी वीडियोस जो है वो तुम्हारे घर वालों को दिखाऊं। और उन वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं था, बस यही था कि जो घर पार्टीज में डांस की वीडियोस थी, बिल्कुल, जो घर में इसकी सारी गैदरिंग होती थी, तो मेरे ऊपर ये ऊपर से प्रेशर होता था उसका कि किसी के सामने अगर मेरा उससे भी मूड ऑफ है तो मेरे ऊपर ये प्रेशर होता था कि किसी के सामने मुंह नहीं बनाना, किसी के सामने ऐसे नहीं करना, हर एक से अच्छे तरीके से मिलना है, अच्छे तरीके से बात करनी है, मेरी मजबूरी थी वो सब कुछ करना। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नशे की हालत में आप दोनों होते थे या उसने बाद में आपको नशे पे लगाया? देखिए, नशे की हालत में हम दोनों नहीं होते थे, और मैं जब वहाँ पे गई हूँ थाने भी, मैंने तब भी उनको यही बात कही थी जब मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखवाई है कि मेरा मेडिकल कराओ, क्योंकि मुझे तो पता था वो मुझे क्या वो थ्रेट्स मिलती थी ऑलरेडी, और वो मुझे क्या कुछ कहता था। तो मैं थाने वालों को पहले ही मैंने ये कहा कि मुझे मेडिकल कराना है, मेडिकल कराना है। फिर एक लेडी कांस्टेबल मेरे साथ गई है वहाँ पर, और उसने कहा जी 500 रुपये फीस है, तो मेरे साथ जो थी उसने फीस पे की है। उसके बाद एक डॉक्टर ने रिटर्न लिखा है, उसके बाद हमने लेडी कांस्टेबल से पूछा कि अब क्या करना है, तो उसने कहा 5,000 और लगेगा, उसने कहा 5,000 लगेगा। कोई समरीन आई थिंक उसका नाम, जब FIR करवाने के लिए आप गई? जी, ये जब FIR करवाने के लिए मैं गई हूँ, तो फिर उन्होंने मेरे कहने पे जबरदस्ती, FIR भी कटी नहीं थी, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन, वो भी उन्होंने खुद लिखी थी, मेरे हाथ में पेपर नहीं दिया। इवन मैंने उनको कहा था कि मैं खुद लिखूंगी, उन्होंने कहा आप बोले हम लिख रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है। और इसकी रीजन क्या थी ये भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस में ऑलरेडी उसके काफी ज्यादा लिंक्स हैं, जो लोग हमारे घर भी आते थे। आपके घर पुलिस वाले भी आते थे उन पार्टीज में जो आप लोगों की होती थी, फ्रेंड्स गैदरिंग होती थी? जी बिल्कुल आते थे, और उनके सामने उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती थी और डांस वगैरह भी चलता था? जी बिल्कुल ऐसे ही होता। नशा कौन कौन सा होता था उन पार्टीज में? जाहिर है कि जब इंसान बैठा होता तो उस वक्त कर रहा होता है, फैसल का तो ये रिकॉर्ड है। उसमें ये होता था, ड्रिंक चल रही होती थी और पार्टी पिल्स चल रही होती थी और हैश चल रही होती थी। ड्रिंक कौन सी यूज करता है फैसल? कोई भी कर लेता है, मैंने इतनी कभी इंटरेस्ट। आइस का नशा भी? आइस का नशा बिल्कुल वो करता था अक्सर, मैंने उसको देखा जरूर। आपने कभी किया? नहीं, मैंने ऐसे इस तरह से कभी नहीं किया, और आइस तो मैंने कभी भी नहीं की। नशे पे मजबूर किया उसने? बहुत मजबूर किया। तो कभी मतलब किया भी हो आपने?
अक्सर और बेशतर इसने मुझे ड्रिंक वगैरह पिलाई है, सिगरेट्स अक्सर मेरे हाथ में रखता था शो के लिए, जब मैं नहीं भी पीती थी तब भी उसने मेरे हाथ में रखना कि एक शो के लिए कि मेरी ये। और सेकेंडली, शायद आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाए, मैं आपको बताना चाहूँगी, इवन जब मैंने इससे शादी भी कर ली तो ये अब तक सबको कहता था मेरी बीवी नहीं है, मैंने तो रखा हुआ है। और इस बात का आपको पता चल गया था? मुझे सबसे पता था, वो मेरे सामने कहता था, इवन लोगों से ये कहता था मैंने तो शो पीस रखा हुआ है, मैंने तो वैसे ही रखा हुआ है, मेरी बीवी नहीं है। तो मैं लोगों को, इवन इसने निकाह नामा तक रजिस्टर्ड नहीं कराया था, वो मैंने अपने लॉयर से करवाया। एक सवाल तो पैदा होता है ना कि एक ऐसे बद किरदार शख्स के साथ कि जो आपको अपनी इज्जत या अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं, आप 4 साल उसके साथ क्यों नहीं? आप खुद कारोबार कर रही थी, आप सेटल्ड थी, आप उस लाइफ में वापस क्यों नहीं जाना चाह रही थी? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी कोई पहली शादी तो थी नहीं, पहली शादी थी तो मैंने शायद इतनी आसानी से इसके साथ ये फैसला कर भी लिया बेबाकी के साथ। अब दूसरी बात ये आती है कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, और मेरे पास जितना बैंक बैलेंस था, मेरे पास जेवर था काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास जेवर था तकरीबन कोई होगा 25-30 लाख का जेवर था मेरे पास। उसके अलावा फिर बैंक बैलेंस था, क्योंकि मेरा मियाँ बाहर होता था, अगर ये आप देखें कानूनी कार्रवाई सही की जाए, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए, तो उसमें बड़ा बड़ा पैसा था, और पैसा था उसमें, मैंने पैसा इसने मेरे पास जितना था। फिर मैं गाड़ियों का काम करती थी, लेकिन मेरा कोई शोरूम वगैरह नहीं था, मैं गाड़ी लेती थी OLX पे लगाती थी और वहाँ से सेल कर देती थी, मतलब अपना एक छोटा सा सर्कल मैं चला आ रही थी। तो इस जब ये मिला, मेरे पास गाड़ियाँ थी, इसने मेरी सारी गाड़ियाँ अपने जब्त कर ली, इसने मेरी सारा पैसा जितना भी था वो इसने लेके वर्कशॉप पे लगा लिया, फिर मेरे पास जितना जेवर जो कुछ था वो इसने मुझसे सब लेके मुझे बिल्कुल खाली कर दिया। अब मैं ये सोचते, ऊपर से मुझे करता था ब्लैकमेल कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मेरे पास बहुत सारी मीडिया। और उसके बाद हमारी जब लड़ाइयाँ हुई हैं 3-4 बार, मैंने 15 पे कॉल की, 15 घर भी आई, और एक दफ़ा तो इसने घर का काफ़ी सामान तोड़ दिया और मुझे इतना मारा, 15 पे कॉल की, 15 घर आई और उन्होंने कहा, वो सारे तो इसको जानते हैं, आप इसकी FB पे देखें, पुलिस वालों की तस्वीरें लगी हैं, शराब की बोतलें इसने ऐसे टेबल्स पे रखी हैं और उसकी तस्वीरें इसने अपनी FB पे लगाई हुई हैं, आप लोग मेरे करेक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं ना, मैं तो ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मैंने 4 साल उसके साथ गुजारे हैं, और जैसे गुजारे हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको वो बताएगा, और वो बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं, वो जो वीडियो मेरी वायरल हुई, इवन वो भी वो खुद बना रहा है। वो जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, जब आपकी पहली वीडियो आई जिसमें आप पे तशद्दुद हुआ और आपने हाईलाइट किया, और उसके बाद पुलिस के पास मैटर आया, मीडिया में आया, तो एक वीडियो आपकी हाईलाइट हुई है जिसमें आप एक कोच में डांस कर रही हैं, एंजॉय मतलब सब फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो कब की वीडियो है? क्या वो शादी से पहले की है या बाद की है? वो अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले की वीडियो है, तब मेरी कटिंग छोटी थी और उसकी आप उसमें देख सकते हैं मेरी, और ये खुद ही बैठ के बना रहा है, ये खुद ही बैठ के बना रहा है, और इसी सारे यार दोस्त हैं, सब कुछ है, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यही तो रीजन थी जो मैंने 4 साल इस इंसान के साथ शर्मनाक और दर्दनाक जिंदगी गुजारी है। ये भी सुनती थी सबसे कि ये मेरी बीवी नहीं है, मैंने इसको वैसे लोगों के सामने एक शो पीस की तरह पेश करना, इवन अपनी वर्कशॉप पे बुलाना और वहां मुझे बिठाना और लोगों को दिखाना और लोगों को कहना यार इसकी वजह से मेरी वर्कशॉप बहुत चलती है। तो अब आप उसकी एक मेंटेलिटी, मेरा ख्याल है कि आप लोग, मतलब ही वाज यूजिंग एज अ शो पीस। या बड़ा मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो नाजरीन है उनके जहन में भी आ रहा होगा, पहली शादी इंसान को डर होता है सेपरेशन का, 2 शादियां आप कर चुकी थी, दोनों में सेपरेशन हो चुकी थी, उसके बाद भी आप अलग से जिंदगी गुजार रही थी और सेटल थी, तीसरी शादी में आपको क्या डर था, क्यों नहीं मतलब आप सेपरेट हो रही थी, क्यों उससे खुला नहीं ले रही थी? मैं आपको बता तो रही हूँ कि इतना कुछ होने के बाद जब मैंने इससे शादी की है, सेकंड मैरिज इससे मैंने की है,
तो उसके बाद ये सब कुछ छोड़ चुकी थी, ना मेरे पास कोई घर वालों की सपोर्ट थी, ना ये मुझे कोई पैसा देता था, ऊपर से ब्लैकमेलिंग। और मेरी एक शरीफ फैमिली है, मुझे सिर्फ इसी चीज़ का डर था कि ये वीडियोस जब मेरे घर वाले देखेंगे या कोई देखेगा तो वो तो मर ही जाएंगे शर्म से। लेकिन अब जब इंतहाई हो गई, और अब ये चौथी शादी कर रहा था जिसके मेरे पास एविडेंस हैं, ये चौथी शादी कर रहा था और उस लड़की के साथ शादी करने पे बज़िद था। इसकी एक रीज़न ये भी थी जो ये एक हफ्ते से मेरे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहा था। मैंने ये स्टेप सोच समझ के लिए, और ये इसीलिए लिया कि अब हद हो गई है, हद इस, ये इसने मेरे पे इतने जुल्म किए हैं और इतनी वीडियोस इसके पास थी, शायद मैं अब भी छुप जाती कहीं जाके। अच्छा, अस्मा ये बताएं कि निकाह नामे में तो उसने मतलब शादी जाहिर नहीं की, उसने गैर शादी शुदा ही अपने आप को लिखा है, तो उस वक्त से उसने चीटिंग स्टार्ट की। उसके बाद आपको कब पता चला कि ये भी शादी शुदा था और इसकी भी शादियाँ पहले हो चुकी हैं? मुझे शादी के तकरीबन 2 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पता लग गया था कि इसकी बीवी है जिसको उसके बाद इसने डिवोर्स दी थी। एक शादी इसने मलेशिया में की थी जिसको ये छुरी मार के तो यहाँ आया था, 6 महीने मलेशिया की जेल में भी रहा था। ये बातों का मुझे तब पता लगा था जब मैं इसकी फैमिली में जाना शुरू हुई थी, ये बातें तब खुलना शुरू। फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया था? जी बिल्कुल, मैं जाती थी फैमिली में। तो इसके बाद फैमिली किसके साथ खड़ी है? आपने कभी बताया कि ये तशद्दुद करता है और ये इस तरह की हरकतों से अकनात करता है? इसका शुरू से लेके अब तक का सारा बायोडाटा ऐसा है कि इसके घर वाले इसको खुद डरते हैं वो इससे, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस इवन ये ऐसा इंसान है जो बाप की काफी प्रॉपर्टी भी बेच के खा गया और कभी बहन भाइयों को हिस्सा तक नहीं दिया इसने। रॉबरी केसेस में ये मुझे नहीं पता कौन से केस, अब पता चला आपको बाद में, इससे पहले पुलिस कभी घर नहीं आई इसको गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए तो कभी नहीं आई। जब 15 ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे इस चीज़ का भी बखूबी अंदाजा था, मेरे पास इसके मैसेजेस भी हैं कि पुलिस तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस के सामने तुझे मारूंगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो पुलिस तो बिल्कुल ऐसे थी, फिर वो मुझे कहता था कि जी मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सिर्फ इसलिए चुप थी। लेकिन अब जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और ये चौथी शादी करने पे तुला हुआ था, तो मेरे जहन में सिर्फ ये था कि जो कुछ ही अब तक करता आ रहा है, मेरे साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन कम से कम अब मजीद किसी लड़की के साथ तो ऐसा ना हो, और पता नहीं इसने कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा करना है, इसकी तो हॉबी है। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी गाड़ी थी या जो बैंक बैलेंस था या जो उसने जो चीजें आपकी यूज की, जो जेवर है, वो अभी उसकी कस्टडी में है या उसने वो खर्च कर लिया तो उसको भी बेस बना रही है, वो भी मुतालबा है कि वापस किया जाए किसी ना किसी तरीके से? जी बिल्कुल, मैं अपनी गवर्नमेंट से, ये मैंने पहले भी अपील की है जब मैं सीएम हाउस गई थी, मैंने उनको दो बातें कही थी कि एक तो जो कुछ ही मेरा ले चुका है, ये लेके जो कुछ वर्कशॉप पे भी लगा चुका है, और वो एक तो मुझे दिलवाया जाए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ इसने वर्कशॉप पे लगाया जो कुछ है उसको सेल आउट करके, एटलीस्ट मैं इसका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी चीज़ें चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, जो कुछ इसने मेरा लिया है मुझे वो पैसा, वो मेरी गाड़ियाँ, वो मेरा जेवर जो था जो इसने सेल आउट किया, जो भी कुछ किया जो इसके पास है, वो चीज़ें मुझे वापस की जाए। और सेकेंडली ये था कि एक मेरा हक महर 20 लाख रुपये। तो वो ये चाहता था, मैं खुद उसको पता था कि मैं माफ कर दूं, और डिवोर्स वो इसलिए नहीं देता था कि 20 लाख देना। मैं ये जो मेरी वीडियोस वायरल हुई है और हो रही है, मेरे जहन में ये सारी बातें थी, मैं ये सोच समझ के मीडिया पे आई थी कि ये सब कुछ होना है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वो तो एक फैसला था, उसने मुझे बंद कमरे में 4, 6, 10, 12 लोगों के आगे नचाया और मैं नाची। यहाँ तो हर घर में हर जगह फैसला है, आप लोगों ने तो मुझे पूरी दुनिया के आगे नचा दिया, जो नहीं भी देखना चाहता था आप लोगों ने तो उनको भी दिखा दिया। ये कैसी हमारी आवाम है, बजाय इसके कि आप लोग मेरे करेक्टर को देखें, आप प्लीज उसके करेक्टर को देखें कि वो मेरे साथ क्या करता था। मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो मेरे साथ ये करता था।
मैंने जितनी शर्मनाक और जितनी दर्दनाक जिंदगी गुजारी है मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहूंगी। मुझे सिर्फ आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए कि प्लीज इस तरह, ये हमारे किसी मजहब या किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई औरत ऐसी है तो उसके साथ ये सलूक किया जाए, ठीक है? वो मुझे तलाक दे देता, वो मुझे कानून के हवाले कर देता। शादी करना या उसके बाद पार्टीज में एंजॉय करना, नाचना, फैसल से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा, आपको भी मतलब यहाँ पे आना जाना भी होता है, फिर आप किस जगह पर रह रही हैं, वहाँ पर भी आज भी आते हुए भी आपको कोई थ्रेट्स मौसूल हुए हैं, कोई डर है आपको, खौफ है? मुझे पहले तो कोई खौफ नहीं था, मैं एक बार पहले भी मीडिया के आगे कह चुकी थी कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दो बार से जब मैं रोज़ मेरा आना जाना हो रहा है कचहरी, और मुझे जिस तरह से मुश्किलें पेश आ रही हैं, जिस तरह मोटरसाइकिलों वाले और गाड़ियों वाले और लोग जिस तरह से मुझे रोकने की कोशिश करते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ही आज मेरा आखिरी दिन है, या पता नहीं मैं अंदर तक पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। जिस तरह की मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, मैंने पहले भी सीएम हाउस में अपील की थी कि फॉर गॉड्स सेक मुझे तहफ्फुज़ चाहिए। आज अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल जाए। बच्चों की उम्रें क्या हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं अब? मैं इस चीज़ को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझती। अच्छा इसमें ये बताएं कि अब सिक्योरिटी के लिए आपने कोई एप्लीकेशन दी है आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, सीसीपीओ को, किसी से, कोई आला हुकाम से आपका मुतालबा है? जब मैं सीएम हाउस गई थी तब भी मैंने उनसे अपील की थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई रहने की जगह है, इवन मैं पता नहीं कितने बजे घर से निकलती हूँ और कितने बजे यहाँ पहुँचती हूँ और किस तरह पहुँचती होंगी, ये ना उन्होंने सोचा ना किसी और ने सोचा कि मुझे बेसरो समानी की हालत में घर से निकाला गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी इतनी बड़ी जंग जो मैं अपने लिए कम आप लोगों के लिए ज़्यादा लड़ रही हूँ कि मज़ीद किसी लड़की के साथ ऐसा जुल्म ना हो। और अगर आज मुझे, मैं ये जंग नहीं लड़ पाती या मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाती तो बहुत सारे ऐसे मुलजिम, वो तो और शय मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी औरतें जिन पे जुल्म होते हैं वो तो ये देख के टूट जाएंगी कि क्या हुआ, इतना कुछ लड़की ने किया, क्या हुआ। मुआशरती बेहिसी पे किस कदर गुस्सा आपको आता है? बहुत गुस्सा आता है। किस बात पे? इस बात पे आता है कि मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसने मेरे साथ ये कुछ किया। जो देखे, हम लोगों का कानून क्या है, हम लोग लोगों को सिर्फ ट्रिक्स देते हैं जुर्म करने की। हमारे पाकिस्तान में लोगों को पता है बीवी जबान चलाए उसकी जबान काट दो, बीवी बदतमीजी करे बाल काट दो, बीवी ज्यादा बोले मार मार के उसको दुर्गत बना दो। लेकिन हमारे माशरे में किसी फर्द को ये नहीं पता होगा कि जबान काटने की सजा क्या है। मुझे नहीं पता था कि बाल काटने की क्या सजा है, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने मेरे पर छुरी लेके आया, मुझे मारने की कोशिश की, ये मर्डर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। अच्छा, तफ्तीश में ये बात भी आई है कि आपने खुद कहा कि बाल काटो क्योंकि आप भी नशे में थी और वो भी नशे में था। देखिए, मुझे तो अपने बालों से वैसे ही बहुत प्यार था और उसने काटे भी इसीलिए हैं, और उसने मेरे इतने बाल पहले काटे हैं, मैं एडमिट करती हूँ। उसके बाद मैं भाग रही थी, मैं अपनी जान छुड़ा रही थी, मैं वास्ते दे रही थी अल्लाह के बगैर कपड़ों के, नौकरों के सामने कि खुदा का वास्ता, कुछ खुदा का खौफ खाओ। और नौकरों के सामने बरहना? जी बिल्कुल बरहना, और मैं हाथ जोड़ के माफिया मांग रही हूँ, मैं इनका खुदा का वास्ता माफ कर दो। तो कहते हैं अच्छा चल अपने पूरे बाल कटवा ले तो मैं तुझे जाने दूंगा। ये छुरी लेके आया, इसने मेरे एजा काटने की कोशिश की, फिर मुझे कहता है कि चलो अपने सारे बाल उतरवा ले, मैं तुझे जाने दूंगा। तो मैंने कहा उतार लो, मैं रोए जा रही थी बाद में, और जो थोड़े बहुत रह गए इसने फिर बड़ी सफाई से मशीन फेरी है, फिर मैंने इसके आगे हाथ जोड़े कि मुझे जाने दो। तो कहता है आज तो मैंने तुझे छोड़ना ही। बाद में आपकी रजामंदी शामिल हो गई थी बाल कटवाने में क्योंकि आप मजबूर थी? मैं मजबूर थी, रजामंदी नहीं थी, अपनी जान छुड़ा के जाना चाहती थी। देखें जब इंसान मर रहा होता है तो मरते हुए तो पानी में भी इंसान हाथ पांव। उसका एक और कहना है कि उसके बाद भी आप लोग वहाँ पे एक ही घर में रहते रहे। उसके बाद कितना, रात का ये सारा वाक्य है, सुबह में मैं, इसने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं, इसने मुझे ऊपर मुलाजमों के साथ छोड़ दिया कि रहो। सुबह जब मुलाजिम सो गए मैंने मुलाजमा का फोन लेके कॉल किया कि खुदा का वास्ता मुझे आके ले जाओ। किसको फोन किया आपने? मैंने अपनी एक सहेली को फोन किया। फिर आपको सहेली जो है वो लेके गई? जी बिल्कुल, वो मुझे 15 पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पुलिस पे एतबार नहीं था। करती भी कैसे, मोबाइल ही तोड़ दिया था उसने, और पुलिस पे मुझे वाकई एतबार नहीं था, मैं कभी करती भी ना। तो अब जो पुलिस की तफ्तीश है या पुलिस के साथ आपका वास्ता पड़ा है तो आप क्या जज किया, आपने किस हद तक आपको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है तफ्तीश से?
नज़र तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि देखे ना मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना मुझे, जब इंसान जंग लड़ता है उसके पास औजार तो होते हैं, और आपको पता है मैं किस तरह ये सब करूंगी। मुझे मतलब सीएम हाउस में मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दिलाई गई थी कि आपके साथ हम पूरा तावुन करेंगे, पुलिस तावुन नहीं करी, मेडिकल मेरा अभी तक नहीं हुआ, ऊपर से ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो कुछ हो रही हैं, ये सब क्या है? ये तो सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं ना। ये कोई भी मुझे कोई एक चीज बता दें जो फैसल, वीडियो जो वायरल करवाई फैसल ने करवाई है, जो सोशल मीडिया पर चली, उसके पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ये उसी ने वायरल करवाई है, और ये मुझे वो पहले बताता था, वो मुझे थ्रेट दे, मुझे अभी भी थ्रेट्स आते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें नंगा कर देंगे अगर तुम पीछे ना हटी। अच्छा ये बताएं कि अभी भी ब्लैकमेलिंग जाहिर है मतलब कर रहे हैं, कोई दोस्त अहबाब की जानिब से प्रेशराइज भी किया जाएगा सुलह के लिए, तो आपके क्या इरादे? मैंने बहुत तकलीफ में और बहुत शर्मनाक और बहुत गंदा टाइम गुजारा है कि मैं अल्लाह से रो रो के माफिया मांगती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं कभी भी ऐसा फैसला करके ना तो अपनी मजीद जिंदगी और आखरत बर्बाद करूंगी, ना मैं ऐसा करूंगी कि मुझे देख के और बहुत सारी औरतों के भी हौसले टूट जाएं। मैं इस इंसान को सजा दिलवाना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे सजा दिलवाऊंगी, ताकि आने वाली नस्लों को भी नसीहत रहे इस चीज की। अस्मा की गुफ्तगु आपने नाज़रीन मुलाहिज़ा की, और अस्मा की एक बात बड़ी बिल्कुल बजा है कि गलती हुई और उस गलती का खमियाजा अस्मा भुगत रही है, लेकिन अस्मा तशद्दुद केस में जो मुख्तलिफ कानूनी पहलू हैं क्रिमिनल ग्राउंड्स पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर, उन पर बात करेंगे। और उससे पहले मुआशरे की इस बेहिसी पर भी दुख होता है काफ़ी ज़्यादा कि अगर अस्मा की एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें अस्मा अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद है, तो हम लोग, मैं, आप सब लोग अपने दोस्तों के दरमियान बैठ के इंजॉय करते हैं, उसका लेवल कोई भी हो, लेकिन दूसरी जानिब अगर तशद्दुद की बात होती है तो आप मर्द को या शौहर को, फैसल को बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते कि उसने उस खातून को, जब उसका पता था कि वो बेयारो मददगार है और वो उसके लिए सब कुछ छोड़ चुकी है, तो उस पर तशद्दुद किया, उसको नशे पर लगाने की कोशिश की और उसको मजबूर किया कि वो दोस्तों की पार्टी में डांस करे, और फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का कल्चर जो है वो फैसल के पास जाके उनका कहना है कि उनकी नज़र में आया, और फिर उसके बाद मजबूरन उसमें एडजस्ट होना पड़ा। लेकिन जब इंतहा को छू गई बातें और जब पता चला कि फैसल एक और शादी करने जा रहा है, तो उस वक्त की बातें मंजरे आम पर रही और फैसल ने तशद्दुद किया। हमारे साथ उनके लॉयर मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब बताएंगे मेडिकल ग्राउंड्स पर खुसूसन कहाँ तक प्रोसीडिंग है और किस हद तक ठोस है ये केस खुसूसन? 24 को इंसिडेंट हुआ है जनाब मोहतरमा के साथ, 24 से आज 1 अप्रैल हो चुका है, अभी तक उनका मेडिकल कंप्लीट ही नहीं हुआ। इससे जो वाजिया चीज़ नज़र आती है कि जो इंटेंशन है पुलिस की, वो चाहती नहीं है कि मेडिकल हो, उसके अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस जो है मेड आउट हो और कोर्ट उसको डिफाइन करके उसके मुताबिक कोई उसके ऊपर सेक्शन अप्लाई करे। पुलिस बिल्कुल इस वक्त अक्यूज़ के साथ मिली हुई है फैसल के साथ, वो चाहती ही नहीं है कि ये केस किसी अंजाम तक, ये जितना डिले होगा उस हद तक कमजोर हो जाएगा केस। जी बिल्कुल ऐसा है सर, ये विद इन सेम डेज में होना चाहिए, मेडिकल जो है वो सेम डे में होता है, इसकी रिपोर्ट्स जो होती हैं, इसके जो एक्सरेज आते हैं, वो तमाम डॉक्टर उसके ऊपर मेंशन करता है चीज़ें, उसके मुताबिक फिर ऑफेंस मेड आउट करता है, इसकी लीगल ब्रांच होती है, उसके मुताबिक ये तमाम रिपोर्ट पेश होती है, फिर ऑनरेबल कोर्ट में इसको प्रेजेंट करते हैं कि जनाब इसके अंदर ये चीज़ आई है और इसके अंदर ये ऑफेंस मेड आउट होता है। तो आज की प्रोसीडिंग क्या थी? आज उसको रिमांड पे पेश किया गया था जनाब, रिमांड के बाद उसकी पहली तारीख थी आज, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने उसको 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेजा है, जुडिशल कर दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जबकि मोहतरमा अपने 164 के बयानात में ये बार बार कोर्ट में कह चुकी हैं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है नाइफ के साथ, उसने उसको अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें पाकिस्तान पिनल कोड में 324 सेक्शन है, उसके मुताबिक वो लगना चाहिए था, लेकिन उसको ना पुलिस ने कंसीडर किया और ना ही जनाब अभी तक किसी कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे और हम इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आज मूव करेंगे। सिक्योरिटी के लिए भी एप्लीकेशन वगैरह दी है या कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया? नहीं, अभी हम सर DIG को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि हमें ज़रा भी यकीन नहीं है, आप हम मुतमैन नहीं है, हम मुतमैन कैसे हो सकते हैं? जो ऑफेंस लगने चाहिए वो लग ही नहीं रहे हैं। आप देखें उसने 4 ऑफेंस मेड आउट किए हैं, 337 वी किए वो भी बेल लेबल ऑफेंस है, 354 की है वो भी बेल लेबल है,
اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے تشدد کے واقعات میں بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے اور کیس ڈسپوز آف ہو جاتا ہے؟ یہ تو دیکھیں جی پارٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر وہ صلح کے لیے اپروچ کرتا ہے اگر محترمہ کرنا چاہیں گی وہ ان کے پاس رائٹ ہے، اس میں نہ کورٹ ان کو روک سکتا ہے نہ میں روک سکتا ہوں، ٹھیک ہے یہ ان کے وش ہے، لیکن جہاں تک ابھی نظر آ رہا ہے کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے پورا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ شخص جو اس کو اپنی بیوی کہتا ہے اور خود کو اپنا شوہر کہتا ہے اس کا، وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیگل ویز اور کیا کیا ہیں، کون کون سے راستے نکلتے ہیں آپ کے پاس؟ انشاءاللہ اگر یہاں سے ہمارے حق میں نہیں ہوتا کچھ تو ہم اس آرڈر کے خلاف ریون فائل کریں گے انشاءاللہ سپریم کورٹس کے اندر، وہاں پہ جا کے ایفرٹس کریں گے، اور پھر ان کے جو میڈم بتاتی ہیں کہ ان کے جو پیسے وغیرہ جو زیور ہیں وہ سارے معاملات، اس کے لیے ہم سول پروسیڈنگ کو بھی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا تخمینہ لگایا کہ کتنا ہے؟ سر اس میں سول میں تو ٹائم لگے گا، لیکن یہ جو کرمنل پروسیڈنگ ہے انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ جو سینسیٹیو نوعیت کے میٹرز ہوتے ہیں اور جن کو ہائپ دی جانی چاہیے یا جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم بلا وجہ کسی میٹر کو جو ہے وہ ہائپ دے دیتے ہیں۔ اسما کی بات کریں کہ اسما کو اس شوہر کے ساتھ رہنے پر کس نے مجبور کیا، یا جب سب سے پہلے تشدد ہوا تو اس کے بعد اس نے رپورٹ کیوں نہ کی، وہ پولیس کے پاس کیوں نہ آئی، یا وہ سیپریٹ کیوں نہ ہو گئی، یا پھر دوسری جانب سوشل میڈیا کے رجحان کی بات کریں اور ہماری خصوصاً آڈینس کی بات کریں تو کیا واقعی یہ اتنا انٹرسٹنگ کیس ہے یا واقعی بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوا اسما پر، یہ تو اس کی زبانی آپ نے جانا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسما 4 سال کے بعد سیپریٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر تشدد کا بھی رونا رویا جا رہا ہے۔ ہمیشہ مدعی کی جانب سے تمام تر الزامات جو ہے وہ ملزم پر لگا دیے جاتے ہیں اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ خصوصاً پولیس جو ہے وہ تمام الزامات اور تمام قانونی شکیں اس میں شامل کر دے، کیا اس بنیاد پر بے بنیاد وجہ سے وہ تمام تر الزامات اور شکیں اس میں شامل کر دی جائیں یا تفتیش کو قانونی ضابطوں کے مطابق آگے چلایا جائے، اور اسما تشدد کیس کہاں تک پہنچا ہے، پیش رفت کیا ہوئی ہے، عورتوں کے حوالے سے خصوصاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انوش مسعود صاحبہ۔ السلام علیکم سر۔ میڈم یہ بتائیے گا خصوصاً اسما تشدد کیس میں 354A کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں کیوں نہیں لگائی گئی، یہ تو مدعی ہے ظاہر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی لگا دیں دفاع اور جتنی بھی بنتی ہیں اس پر لگا دی جائیں، تو ویسے تفتیش کیا کہتی ہے اور اب تک فیصل کس حد تک ملزم ثابت ہوا؟ دیکھیں اس کیس میں جیسے یہ جو دفعات لگی تھی اس پہ اپریہنشنس تھیں کہ مطابق جو ہے وہ اپلیکیشن کے مطابق یا جو اس میں میرٹ کے مطابق دفعات لگنی چاہیے وہ نہیں لگی تھیں۔ بہرحال ایک جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ونگ میں آتی ہے تو ہماری یہ سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ تفتیش کی جائے اور اس کے بعد جو بھی میرٹ پہ اور جو بھی کنسرنز ہیں کسی بھی وکٹم کے اس کو ہم ایڈریس کریں۔ سو اسما کے جو بھی تحفظات تھے اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی تفتیش کے مطابق جو میرٹ پہ دفعات بنتے تھے اس میں 355 اور 354 ایڈ کر دی گئی ہے، اور اس میں اب جو فیصل اور راشد جو ملزمان ہیں اس کیس کے وہ اس میں اب یہ وہ عدالت میں ابھی کیس چل رہا ہے اور اس میں پرابلی وہ اگر ان کو یا تو جوڈیشل کیا جائے گا یا بیل پہ جائیں گے۔ مطلب ہماری اب یہ ہے کہ جو پولیس کی جانب سے جو بھی تفتیش ہوئی ہے اور جو بھی ہم نے اس پہ اپنی فائنڈنگز دینی ہے وہ ڈیفینیٹلی میرٹ پہ ہیں۔ سو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایلیگیشنز لگتی ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہے، دین اٹ از پارٹ آف انویسٹیگیشن کہ آپ اس کو پروب کریں اور جو بھی ریئلٹی ہے آپ اس کو سامنے لائیں وداؤٹ اینی پریشر۔ نہ اس میں کسی ملزم کا پریشر ہے نہ اس میں کسی مدعی کا پریشر ہے، ہمارا کام ہے میرٹ کرنا اور جو فیئر انویسٹیگیشن ہے دیٹ از آر اونلی ایجنڈا۔ اور اس میں اب جس طرح جو بھی یہ تو عدالت پہ ہے کہ ہمیں اپنی فائنڈنگز دینے کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں میم کہ خصوصاً جتنی ہائپ ملی ہے جو سوشل میڈیا پر اور ویسے جتنا اس نے میڈیا نے اس کو اچھالا ہے، اس قدر کوئی سینسیٹیو بات نہیں ہے اور اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ گھریلو میٹر تھا، گھریلو جھگڑا تھا جس کے بعد ان کی علیحدگی جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم آئی وونٹ
लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस कि इसको होना चाहिए था, हाई पीरियड हुई है नहीं हुई, दिस इज नॉट माई कंसर्न. मैं फिर भी बात करूंगी, ये एक सोसाइटी का इशू है जिसमें लोगों को लगा कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और डेफिनेटली जिस हद तक ज्यादती हुई है उसको तो हम भी एंडोर्स कर रहे हैं और इसीलिए मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं. जहाँ तक ये बात है, हमारा काम सिर्फ तफ्तीश करना है. बाकी इस केस में इसको कोई भी रंग दिया जाए या कोई सोसाइटी का रंग दिया जाए, मीडिया कोई रंग दे, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं करूँगी और ना पुलिस का कॉमेंट बनना कोई देना बनता है, बिकॉज पुलिस हमेशा गैर जानबदार रही है और उसका वो रहेगी. और मेरा मैं आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट कि इसमें किसी तरह की भी, जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस जो है ना मेरिट का, वो रहना चाहिए, किसी भी एक तरफ कोई झुकाव नहीं होना चाहिए. अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि यके बाद दीगरे मुख्तलिफ किस्म के वाकयात मतलब सामने आते हैं औरतों के हवाले से, और औरतों पर तशद्दुद मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है. आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लॉ है, गैप है, उसको फिल अप होना चाहिए, औरतों की इज्जत और एहतराम जो है वो होना चाहिए? डेफिनेटली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं ये कहूँगी कि इसमें यकीनन कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए, क्योंकि घरेलू तशद्दुद पे अभी एज सच कोई उस तरह के लॉज या सेक्शंस नहीं लगते हमारे पीनल कोड जो है, पाकिस्तान पीनल कोड. तो उसके बारे में हम थोड़ी सी अगर इसमें हम कोई प्रोग्रेस लाएं तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज घरेलू तशद्दुद कोई ऐसा नहीं है कि हम जिससे कहें ये घरेलू मैटर है और इसको बस सॉल्व कर दिया जाए. नहीं, जब ये एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो घरेलू मामला नहीं रहता है, दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ लॉ कि आप इंसान की एक उसको यू नो यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, तो उसको उस लिमिट से जब क्रॉस करते हैं तो वो एक क्राइम बन जाता है, ये सिर्फ घरेलू मैटर नहीं रह जाता. तो इसके मेरे इसके लिए ज़रूरत है कि एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और इसके बारे में एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए. और देन आई वुड ऑल्सो से कि इस कहीं पर भी किसी भी तरह, मतलब ना मेल की तरफ से ना फीमेल की तरफ से, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी लॉ की. सो इस वजह से समटाइम्स हमारे पर भी ये प्रेशर, पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि यू नो टू बी ऑन वन साइड, कि और एलिगेशंस भी लगते हैं, बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग ऑल दिस के कभी ज्यादती हो गई है, कि पुलिस ने ज्यादती की है, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज पुलिस इज नॉट ऑलवेज सपोज टू यू नो रिस्पॉन्ड सो ओपनली, बिकॉज एक इन्वेस्टिगेशन का अपना डिकोरम होता है, उसको आप हर पॉइंट को इस तरह से ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर द कॉमन पीपल टू कॉमेंट ऑन एनी इशू, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर यू कैन नॉट कॉमेंट ओपनली ऑन एवरी इशू. यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्स्ट. देर बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिविटी होती है किसी मैटर की, एक लीगल ज्यूरिस्डिक्शन होती है, उसे बाहर जाके उस बारे में ओपनली बात करना एक तो मुश्किल है. सेकेंडली ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करनी होती है, उसमें आप किसी के साथ जानबदार नहीं होते हैं. सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट केसेस. और आई वुड रादर मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू यू नो कमेंट ऑन दीज थिंग्स, के बजाय इसके कि आप हम रिएक्शनरी हो जाते हैं, यू नो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक नहीं किया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक नहीं किया. सो वी शुड यू नो वी शुड हैव पेशेंस, थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, एतमाद करें और चीज़ों को, और बिकॉज सोसाइटी का पार्ट है ना, पुलिस भी सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी ही के साथ पुलिस ने चलना है, पुलिस ने सोसाइटी के साथ चलना है. सो एलिगेशन और उस मोड में आके वी वोंट हेल्प एनी वन. सो इट्स बेटर कि मेरिट को हम सिर्फ मद्देनज़र रखें, क्योंकि मेरिट ही है जो एंड पे जो कामयाबी के हमारे पास जो जरिया है वो मेरिट है. किसी किस्म का कोई प्रेशर, किसी किस्म की कोई जानबदारी से हमें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं. अच्छा मैम, बीइंग अ वुमन पुलिस ऑफिसर, आप क्या समझती हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो औरतों पर तशद्दुद करता है वो जहालत की निशानी थी, अब किस किस्म के केसेस आते हैं और किस किस्म का खास तबका है कि जो खुसूसन औरत पर तशद्दुद के हवाले से ज्यादा इन है या ज्यादा केसेस उसके बारे में रजिस्टर्ड होते हैं, या ये स्टेट ऑफ माइंड है या एक साइकिक प्रॉब्लम है? ये बहुत, इसमें ना दो तीन तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है. आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ही हैं. तो एक तो पहली बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका ये साइकोलॉजिकल इशू है, स्टेट ऑफ माइंड है, मे बी कोई हाई हैंडेडनेस आपके दिमाग में, कभी कहीं आपने यू नो यू हैव परसीव दिस आइडिया इन योर माइंड दैट मेल इज सुपीरियर टू फीमेल एंड यू नो
पहली बात तो ये है. सेकंड ये है कि सम टाइम्स सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिस तरह अक्सर हम आजकल देखते हैं कि हालात से तंग आके खुदकुशी, जब इंसान खुदकुशी पे उतर आए उसके बाद तो उसको बाकी नहीं रहता ना, अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर लेते हैं, ये वाकयात भी सामने आते हैं. सो एक सोशल इकोनॉमिक भी एक जो मैटर है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बड़ा मैटर करता है. सो बेसिकली हमें आई थिंक वी नीड एजुकेशन. जब तक हमारी सोसाइटी में एजुकेशन, वो रिलीजियस एजुकेशन है, क्योंकि हमारा इवन मज़हब आप देखें इतना टॉलरेंट मज़हब है, पूरी दुनिया में ऐसा मज़हब नहीं है, इतनी टॉलरेंस है इसके अंदर, औरत को इतनी रिस्पेक्ट दी है इस मज़हब ने, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर बिछाते हैं, ये मज़हब तो हमें ये तालीम देता है. तो अगर हम इस तरह की अपनी मज़हब की उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ एक मज़हबी तालीम की तरफ भी ध्यान दें, और फिर उसके बाद पॉजिटिव एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, बिकॉज हम लोग लिबरलिज्म का भी गलत मतलब लेते हैं. लिबरलिज्म का मतलब कुछ और है, ये नहीं है. देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म. इट इज़, ये आपको मॉडरेट बनाती है, एनलाइटन करती है, ना कि एक्सट्रीमिस्ट बनाती है. दोनों तरफ हमें एक्सट्रीम नहीं चाहिए. वी वॉन्ट टू बी मॉडरेट. इस्लाम एतदाल का नाम है, इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है. सो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड भी एजुकेशन से आती है, फैमिली की एजुकेशन, जो घर की बैकग्राउंड, जो घर में सिखाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपने जो घर में देखा होता है वही आप आगे इसको कैरी ऑन करते हैं. यू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ योर हाउस. सो ये सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देना चाहिए अपने मामलात में, अपने बच्चों की तबीयत में. और घर एक यूनिट होता है, यूनिट से फिर आगे सोसाइटी बनती है. सो यू नो एवरी पर्सन हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस थिंग. अच्छा मैम, इस माशरती बिगाड़ में, खुसूसन इस किस्म के क्राइम्स में, अब इसमें कारों का बिजनेस करती थी अस्मा और उसके बाद फैसल के साथ उसके ताल्लुकात बने, लेन देन हुआ कारों का. इसी तरह अगर हम बात करें खुसूसन सोशल इक्विपमेंट की, सोशल मीडिया की, उसके थ्रू वो कितना किरदार अदा कर रहा है, बुरा किरदार अदा कर रहा है, खुसूसन उसका मिस यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है. देखिए जो टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेशन, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिस तरह लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज अथॉरिटी एंड ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज अथॉरिटी इन एन एब्यूसिव वे, तो वो तो न्यूसेंस बन जाएगी ना. सो बात ये है कि फिर वही बात आती है कि यूज़ करने वाला कौन है, एंड यूज़र कौन है, ह्यूमन बींग्स एज अ सोसाइटी, और फिर उसमें परसीव करने वाला कौन है, ह्यूमन बींग्स. सो एज अ सोसाइटी वी हैव टू टेक दिस थिंग एज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझेंगे तो हम इसको अच्छी तरह चला सकते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल आप शुरू कर देंगे, लाइक आपके पास वेपन है, इफ़ यू यूज़ इट फॉर योर ओन सेफ्टी इट्स अ गुड थिंग, इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर किलिंग समवन इट बिकम्स अ नेगेटिव थिंग. सो इट डिपेंड्स कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं. तो abuse of everything is bad, of course. So social media बड़ा positive role play कर सकता है, social media बड़ा negative role play कर सकता है. It all depends on the mentality of the users. अगर हमारे users इसको responsibility से इस्तेमाल करेंगे तो that can become voice of nation. लेकिन अगर इसको negative इस्तेमाल होगा तो बहुत बहुत गलत impact आएगा उसका. ठीक, बहुत शुक्रिया मैम. अस्मा तशद्दुद केस इस वक्त सबको मालूम है और जुबान ज़द-ए-आम भी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है. एसपी अनूश मसूद साहिबा का कहना है कि खुसूसन इस केस को लेकर हम बहुत कंसर्न हैं, औरत पर किसी भी हवाले से कोई भी तशद्दुद नाकाबिले कबूल है और सोसाइटी या मुआशरा भी यही चाहता है कि औरत को इज्जत और एहतराम दिया जाए, लेकिन बहैसियत शहरी हम ये जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे. यकीनन अस्मा को इंसाफ मिलेगा. जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.